संपूर्ण भारत न्यूज और मैं हूं मानस द्विवेदी। आज पूरे बिहार वासियों के लिए खुशखबरी का दिन है। दरअसल बिहार को एक अवार्ड मिला है और मैं आपको बता दूं कि दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन को गो ग्लोबल अवार्ड मिला है और ये अवार्ड इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल ने दिया है। मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया से 178 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और हजारों की संख्या में उद्योग संस्थाएं वहां पर मौजूद थी। उन तमाम उद्योग घरानों को, उन तमाम उद्योग संस्थाओं को पछाड़ता हुआ दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने ये मुकाम हासिल किया है। तो ये हम सब के लिए आज गर्व का दिन है और इसी विषय पे हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी से, जो कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई। हम पूरे देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बधाई देता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल से, जिसका कार्यालय वाशिंगटन DC USA में है, उन्होंने आपके एसोसिएशन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को इस योग्य समझा कि उन्होंने जो है वो ग्लोबल अवार्ड 2021 के लिए टॉप प्लेसर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में अपने एसोसिएशन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को अवार्ड दिया है। हम गौरवान्वित हैं कि हम इस एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन हैं और आपका चेयरमैन है, इसलिए जो है हम आप सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बधाई देता हूँ। एक्चुअली पेंडामिक काल 2020 और 2021 में दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अपने समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निम्नतम पायदान पर रहने वाले लोगों को अर्थ का कमाने का जो है एक आइडिया दिया और उसको जो है अर्निंग करने का एक माध्यम दिया। साथ ही साथ पेंडामिक काल में हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने आर्थिक स्थितियों के लिए काफ़ी चिंतित था। उस दौरान दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन ने उद्यमी पाठशाला चला करके, हर रविवार को उद्यमी पाठशाला चला करके उसको जो है अर्निंग करने के लिए प्रेरित किया। उनको जो है समस्त समस्याओं से जो है जूझने का एक तरीका बताया और इसी आधार पर अभी जो है इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल ने जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को यह अवार्ड दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय मीडिया में इसकी चर्चा नहीं है। इसलिए चर्चा नहीं है क्योंकि यह दलितों के संस्था है, इस वजह से जो है कहीं भी कोलाहल नहीं हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में यदि यही जो है कोई अन्य चीज़ों का जो होता, अन्य संप्रदाय का या समुदाय का होता, तो अभी पूरा भारत में जो है यह छाया रहा था, लेकिन यह जो है मीडिया वालों ने इसे बाउन कर दिया है। कोई बात नहीं, हम लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अनुसूचित जाति जनजाति का अपना संगठन दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन को दिया है और इंटरनेशनल जो है अवार्ड दी गई है। इसलिए एक बार पुनः हम शुभकामनाएँ आप लोगों को देते हैं कि और हम लोगों को इस तरह से, इसके बाद हम आप लोगों को एक प्रेस रिलीज जो कि वाशिंगटन DC से प्रेस रिलीज की गई है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस अवार्ड के लिए पूरे विश्व से 178 देशों के उद्योग संगठनों ने भाग लिया था, जिसमें 6,416 उद्योग संगठन जो है भाग लिया था। भारत से भी कम से कम 50 उद्योग संगठनों ने भाग लिया था, लेकिन उनका ग्रास रूट पर परफॉर्मेंस जीरो होने के वजह से उसे अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन जो पेंडामिक काल 2020 और 2021 में दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन ने यहाँ के वंचित समुदाय SC ST और SC ST के महिलाओं के लिए जो है अर्निंग कैपेसिटी बिल्डअप किया, इस आधार पर जो है यानी 16 देशों का इसमें जूरी बना था, जजिंग पैनल बनाया गया था 16 देशों का, और बड़े बड़े देश, टॉप लेवल के देश थे इसमें, मैकेडोनिया, अमेरिका, स्पेन, इस्टोनिया, कोलंबिया, माल्टा और साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कजकिस्तान, ये सारे देश के जो है जूरी थे और उन्होंने जो है सर्वेक्षण के आधार पर, इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन को इस योग्य समझा और इसे अवार्ड दिया गया। यह जो है अमेरिका से जारी प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है और यह जो है आपके संस्था संगठन को, दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन को जो प्राप्त हुई है यह सर्टिफिकेट आपको। तो हम तमाम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आज गर्व करने का दिन है। 14 अक्टूबर 2021 को यह सर्टिफिकेट जारी की गई
और आपके सामने है। एक बार पुनः हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को शुभकामना देता हूँ। यह संगठन आपका है और दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य है अपने समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना और इसका माध्यम होगा उद्योग एवं व्यवसाय। अतः हम अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वह अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए उद्योग और व्यवसाय के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी प्रेरित करें। जय भीम। और कुछ पूछना है?